मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत के हफ्ते भर बाद शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर पीड़ित किसान परिवार से मिलने पहुंचे। शिवराज ने मृतकों के आश्रितों को 1 करोड़ का चेक सौंपा, साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया। सूबे के मुखिया ने हाथ थामा तो आंखें समंदर बन गईं। भावुक तो शिवराज भी हुए। मृत किसान के पिता को ढांढस बधाई, सिर से पिता का साया खोने वाले नन्हे बेटे के सिर पर हाथ फेरा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर के बदवान गांव में 26 साल के किसान घनश्याम धाकड़ के यहां पहुंचे थे। पुलिस फायरिंग में घनश्याम की मौत हुई थी। इस समय आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घनश्याम धाकड़ के परिवारजनों से मिल रहे हैं। घनश्याम धाकड़ के पिता और उनके जो दादा हैं वो इस समय जो हैं वो उनसे शिवराज सिंह चौहान की बात सुन रहे हैं। पर्सनली उनको जो है यहाँ पर पत्र दिए जा रहे हैं, मांग पत्र हैं ये। धाकड़ के परिवार ने शिवराज के सामने मांगों की सूची भी रखी। मृतक के 5 साल के बेटे और 2 साल की बेटी की शिक्षा का जिम्मा सरकार उठाए, गोली चलाने वाले पुलिस वालों पर आपराधिक केस दर्ज हो, आंदोलन के दौरान जेल में डाले गए किसानों को रिहा किया जाए, कि जो टीआई है या चाहे उनके पुलिस वाले हो उनको 302 की धारा लगाए, पहली बात तो वो। दूसरी बात कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनकी पढ़ाई सरकार जिम्मेदार है। 6 जून को मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हुई थी और घटना के हफ्ते भर बाद शिवराज मृत किसानों के घर वालों को ढाढ़स बंधाने पहुंचे थे। शिवराज एक एक किसान के घर गए, उन्हें सरकारी राहत का 1 करोड़ का चेक सौंपा और जाते जाते शांति सद्भाव का संदेश भी दे गए। शिवराज जब मंदसौर में किसानों का आंसू पोंछ रहे थे तो दूर भोपाल में कांग्रेस के युवा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 72 घंटे का सत्याग्रह शुरू कर रहे थे। ज्योतिरादित्य ने मंगलवार को मंदसौर जाने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो मंदसौर में घटना घटी है वो आपके लिए हमारे लिए नहीं, मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के लिए केवल नहीं लेकिन पूरे भारत वर्ष के लिए एक कलंक का दिन हो चुका है। एक तरफ 1 करोड़ का चेक भेंट कर आंसू पोंछने की कोशिश तो दूसरी तरफ सत्याग्रह से किसानों का भरोसा जीतने का प्रयास। क्या किसानों ने इसीलिए आंदोलन कर जाने गवाई? मंदसौर से सुप्रिया भारद्वाज के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल आज तक। क्या ज्योतिरादित्य का सत्याग्रह या शिवराज की सांत्वना इन परिवारों के आंसू पोंछ पाएगी? अब बात करते हैं बिहार की। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज दिल्ली पहुंचे बिहार से। वो आए तो थे राष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने, राजधानी में कदम रखते हुए मीडिया पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। आखिर मीडिया पर क्यों भड़क गए लालू, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य मंत्री बेटे के रसूख से घर को अस्पताल बनाकर इलाज कराने के आरोपों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर कदम रखते ही मीडिया के सवालों पर उनका मूड बिगड़ गया। आपको बता दें कि मंगलवार को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो की 5वीं बेटी हेमा यादव पर करीब 1,40,00,000 रुपए की संपत्ति होने का आरोप लगाया था। मोदी के मुताबिक हेमा यादव को 13 फरवरी 2014 को एक बीपीएल धारी ललन चौधरी ने 62,00,000 रुपए की 7.75 डिसमल जमीन दान में दे दी। उसी रोज रेलवे के खलासी हृदयानंद चौधरी ने अपनी संपत्ति हेमा को दान कर दी। तो रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स में खलासी के पद पर काम करने वाला एक खलासी जिसका नाम हृदयानंद चौधरी है, उसने भी अभी अपनी कीमती जमीन और हेमा यादव को गिफ्ट कर दिया। अपने बेटे बेटियों की बेनामी संपत्ति को लेकर लालू लगातार बीजेपी के निशाने। बेनामी संपत्ति पर ही नहीं, अपने घर में डॉक्टरों की टीम बुलाकर इलाज कराने को लेकर भी लालू विवादों में घिरे हैं। बाद में उन्होंने इस पर भी सफाई पेश की कि आप 5 सुई घुसाया था, सुना 5 सुई एंटीबायोटिक दवा बोतल के बोतल चढ़ा, 6 नहीं हम नहीं जा सकते, वो डॉक्टर आए ऑफ आवर में आए, ऑफ आवर जो ड्यूटी ऑफ होती है जो एक्सपर्ट है सुई देने वाला, फिर अपना दिन भर जाकर अपना काम किया है,
बात के बतंगर बना करके लालू यादव के घर पर अस्पताल ये सब का जो टाइटिल है आम आदमी भी है। कल कुछ हो जाए हमको तो फिर बोलेगा कि लालू यादव को चिकित्सा में ध्यान नहीं दिया। रुक करते हैं अब उत्तर प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं। वहां उन्होंने 100 दलितों के साथ सहभोज भी किया है। मुख्यमंत्री फिलहाल गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं। 100 दलितों के साथ बैठ करके उन्होंने जमीन पर सहभोज किया। पहले एक अलग से भी उनके लिए आसन लगाया गया था, फिर बाद में योगी सबके साथ बैठे और भोज किया। कहते हैं सियासत में प्रतीकों की अहमियत होती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। पिछले दिनों दौरे से पहले कुशीनगर की पिछड़ों की बस्ती में साबुन शैंपू बंटवाने को लेकर विवादों से घिरे योगी गोरखपुर के हरनामपुर में दलितों के साथ सहभोज में शामिल हुए। सहारनपुर की घटनाओं के बाद योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रहे हैं और इसी बाबत ही सहभोज का आयोजन किया गया है, जहां पर 102 से ज्यादा जो दलित हैं उसके साथ योगी आदित्यनाथ जमीन पर बैठ करके ही भोजन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक योगी आदित्यनाथ के बैठने का अलग इंतजाम था, उनके लिए आसन बिछाए गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने खुद आग्रह किया कि ये तमाम लोगों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करेंगे। योगी भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति की तरफ से आयोजित समारोह में पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस देश के अंदर छुआछूत, भेदभाव और अस्पृश्यता के कलंक से हम सबको मुक्ति मिल सके, अगर इसका श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो इस देश के अंदर संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया जा सकता है। योगी गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और गुरुवार को बिहार के दरभंगा जाएंगे, जहां वो रैली को संबोधित करेंगे। शिव पूजन झा, गोरखपुर आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360 खबर। अब कश्मीर से। कल रात घाटी में 6 घंटे में हुए 6 आतंकी हमले का सीरिया कनेक्शन अब सामने आ रहा है। जैश के आतंकी मुश्ताक जरगर का दावा है कि सीरिया में मौजूद मौलाना मसूद अजहर के इशारे पर 6 में से 4 हमलों को अंजाम दिया गया। सीरिया में बैठकर कश्मीर में आतंकी हमले करवा रहा है मसूद अजहर। मौलाना मसूद के गुर्गे मुश्ताक जरगर का खुलासा। कश्मीर में मंगलवार शाम से देर रात तक 6 घंटे के भीतर हुए 6 आतंकी हमले को लेकर जैश के मुश्ताक अजहर ने किया है बड़ा दावा। कंधार विमान अपहरण कांड में बंधकों की एवज में रिहा होने वाले मौलाना मसूद अजहर के शागिर्द जरगर ने आज तक से बातचीत में दावा किया कि अभी कश्मीर में और हमले होंगे। उसने 6 में से 4 हमलों की जिम्मेदारी भी ली। जी मैं दौड़ा से बोल रहा हूँ, मुश्ताक अहमद जरगर, राल पुलवामा गोंतीपोरा श्रीनगर सराफ कदल में जैश मोहम्मद और आलम मुजाहिदीन इसकी रेस्पॉन्सिबल ले रहे हैं। आइंदा भी हम इकट्ठे मिलकर एक्शन बहुत सारे करेंगे। मुश्ताक जरगर ने आज तक से बातचीत में दावा किया कि 6 में से 4 हमलों के पीछे जैश मोहम्मद है। जरगर के मुताबिक सीरिया में बैठे मौलाना मसूद अजहर के इशारे पर ये हमले किए गए हैं और आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होगा। जरगर ने सबसे चौंकाने वाला दावा ये किया कि वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि कश्मीर में है। आपको बता दें कि हमले की शुरुआत बुधवार शाम करीब 6 बजे से पुलवामा के त्राल स्थित सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड अटैक से हुई। इसके बाद आतंकियों ने अनंतनाग में हाईकोर्ट जज के सिक्योरिटी पिकेट, अवंतीपुरा में सीआरपीएफ कैंप, सोपोर में 22 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप, पुलवामा के थाने और त्राल में सेना के कैंप को निशाना बनाया। हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान और 2 कांस्टेबल जख्मी हुए हैं। कहना मुश्किल है कि जरगर का दावा सुर्खियां बटोरने के लिए है या फिर इसमें सच्चाई है, लेकिन इतना साफ है कि 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक्स के बावजूद पाकिस्तानी आतंकी फैक्ट्री बंद नहीं हुई है। श्रीनगर से अशरफ वाणी और शुजाउल हक के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
मीडिया 360 में आप खबर आसमानी आफत की। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मिजोरम और असम की। मिजोरम के केरंग में भारी बारिश से कम 400 मकान डूब गए। मूसलाधार बारिश से इंफाल नदी में 12 मीटर तक कटाव हुआ है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने दहशत में सड़क पर अपनी रात बिताई। इंफाल नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। उधर असम में पिछले दो दिनों लगातार बारिश से नदियों का जल बढ़ने से भी समस्या बढ़ गई है। असम के बारपेटा जिले में बेकी नदी का जलस्तर बढ़ने से स्कूलों तक में पानी भर गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मिजोरम की, जहां पे कई मकान ढह गए, सड़कें भी पानी में बह गई। लोग डर के मारे हाईवे पर सोए, सड़क पर उन्होंने रात बिताई। असम में भी नदी में भारी कटाव हुआ है। स्कूलों घरों में पानी भरने की वजह से लोग बेघर हो गए हैं, रिलीफ कैंप में गए हैं। ये तस्वीर फिलहाल हम आपको मिजोरम से दिखा रहे हैं, जहाँ पे भारी बारिश होने की वजह से नदी उफान में आ गई है।